सुभाष निकेतन की गली में घटना हुई थी, उस घटना में के तत्काल बाद पुलिस ने जाकर वहाँ पे इनका पता किया था, और उसके बाद दहशत फैलाने और लोगों को भयभीत करने से संबंधित अपराध भी पंजीबद्ध किया गया था। हवाई फायर हुआ था तो उसकी भी धाराएं लगाकर अपराध पंजीबद्ध हुआ है। इसमें मुख्य रूप से 5 आरोपी आइडेंटिफाइड हुए। इनमें मुख्य आरोपी जो है वो संजीव उर्फ छोटू बघेल, ये घोसुआ गांव का रहने वाला है जो थाना पथरिया क्षेत्र का है। इसके अलावा फरीद खान, ये भी पूर्व में 302 और 307 के आरोपी रहे हैं, हालांकि कम उम्र के हैं लेकिन इन्होंने नाबालिग स्थिति में ही अपराध कर डाले थे, तो अभी ये फिर से ये अपराध के लिए सिर उठा रहे थे तो इनको इसी स्तर पर रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें अन्य आरोपी हैं केशव, रोहित और करण। ये केशव बघेल है, रोहित और करण दोनों रघुवंशी हैं, इनके द्वारा ये अपराध किए गए हैं, क्योंकि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, एक अलग टाइप का सामंजस्य है कि बघेल, रघुवंशी और फरीद खान ये इसमें संलिप्त हैं। सभी लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं और इनके खिलाफ शीघ्र ही हम लोग NSA की कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और